आज हमारी ऑडियंस को क्या खिलाएंगे आप? आज खिलाऊंगा स्पेशल आयुर्वेदिक पराठा। आयुर्वेदिक पराठा? आयुर्वेदिक पराठा एकदम हेल्दी जी, और मेरी तरह तंदुरुस्त। क्या बात है, सबसे अलग सबसे हटके। बनाइए फिर राजू भाई, चलो करो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताते रहिएगा आयुर्वेदिक के नाम पे क्या क्या आप खिलाने वाले हैं। गाजर भंसी जी, बीट, और इसमें येलो नीलो पीलो सब आ जाएगा, कैप्सिकम एकदम। अच्छा हाँ, ये देख लो जी। और इसके अंदर स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, और साथ में ग्रीन पीस, ग्रीन बटाना जी। और इसके अंदर पालक, पालक क्या बात है भाई। और थोड़ा मेथी डाल दे तो एकदम डिफरेंट आपके लिए बनाता हूँ। मतलब ये अच्छा आयुर्वेदिक पराठा का राज है, एकदम राज। चलिए देखते हैं। और इसके अंदर थोड़ा हेल्दी पनीर। तो आप देख सकते हैं आयुर्वेदिक पराठा बन रहा है, फर्स्ट टाइम आपको सूरत के अंदर यही खाने के लिए मिलने वाला है जी। और ये अपने घर के मसाले, लाल मिर्च। मसाले भी आयुर्वेदिक है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अपने घर के पीस के देता हूँ। अच्छा भाई, हेल्दी, अलग से कोई मसाला हो। धनिया पाउडर जी, पराठा मसाला, और अपना नमक, बस पूरे घर के, और कोई बाहर का नहीं है। अच्छा हाँ, अभी इसको कर देता हूँ मिक्स जी। तो राजू भाई, ये आयुर्वेदिक पराठा बनाने का क्यों सोचा आपने, कब से सोच लिया भाई? बहुत सारे लोगों की डिमांड आते हैं, कुछ ऐसा खिलाओ जो ऑयल नहीं रहे, बटर नहीं चाहिए, हाँ। एकदम हेल्दी चाहिए। अच्छा। तो मैंने बोला ये बना देता हूँ। तो ये आयुर्वेदिक पराठा पूरा हेल्दी, हाँ पूरा पूरा, कोई फैट नहीं, कुछ नहीं बनेगा, एकदम हेल्दी रहेगा। हो गया मिक्स। बोल रहे हो आप, मसाला देखने से ही लग रहा है हेल्दी, ये आप देख सकते हैं। वैसे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फटेगा नहीं क्या? आटा, आटा। अच्छा हाँ, वो तो अपनी स्टाइल है। और ये बताइए मुझे, बहुत लोग कहते हैं कि भाई मैदा कम खाना चाहिए या नहीं खाते हैं। तो बस मैदा नहीं है, प्योर गेहूं है। अच्छा, प्योर गेहूं में, प्योर गेहूं है जी। हाँ, चाहे तो लेबोरेटरी में चेक करा लो, एक भी मैदा नहीं मिलेगा इसमें। तो देखिए भाई, दावे के साथ कहता हूँ। हाँ यही बात है, तो दावे के साथ कह रहे हैं, तो आप लोग भी ये आयुर्वेदिक पराठा बिल्कुल निश्चिंत होकर खा सकते हैं। कोई नहीं बना पाएगा पराठा, खाली मैं ही बनाता हूँ। ऐसा क्यों? किसी से नहीं बनता है। अरे की बस की बात नहीं है, मेरे से मैं मैदे में नहीं बना सकता हूँ जी। हाँ, आटे में ही बनते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मसाला इन्होंने तैयार किया था, उसको पराठे के अंदर ऐड करने के बाद उसको बढ़िया से पैक कर लिया गया है। और इसके अंदर जैसे कि आज चीज, क्रीम, बहुत सारी चीजें लोग यूज करते हैं, ऐसा कुछ आने वाला है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हेल्दी का मतलब पूरा हेल्दी पराठा एकदम जी। ऑयल बॉयल कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। तो ये आप देख सकते हैं, तवे पर हल्का सा ऑयल डाला गया है और पराठा आ चुका है तवे के ऊपर, सिर्फ नॉर्मल और कुछ नहीं। वो भर भर के करने वाला काम नहीं अपना। हेल्दी मतलब हेल्दी ही है, बस एकदम हेल्दी, ताकि खा के तंदुरुस्त रहे। बटर, देसी घी, ऑयल जिसमें चाहिए उसमें मिल जाएगा। उसको पलटी मार लेता हूँ जी, देख लो। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ से सेका गया, दूसरी साइड से सेका जा रहा है, और इसको एकदम क्रिस्पी क्रंची बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं जो पराठा है, बढ़िया ऑयल नहीं है जी। एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ऑयल का एक भी बूंद आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है इस पराठे में, और इसीलिए राजू भाई इसे आयुर्वेदिक पराठा कहते हैं, स्पेशल जी। अभी इसको करता हूँ कटिंग। ये देखिए कटिंग किया जा रहा है, इसमें भी 8 पीस आएगा राजू भाई। हाँ हाँ, मतलब दो लोग आराम से शेयर कर सकते हैं इसे, एकदम पूरा आयुर्वेदिक का। ये देखो, अरे वाह भाई क्या बात है। ऊपर आएगा हरा धनिया वाला दही जी। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो हमारा आयुर्वेदिक पराठा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, और दही के साथ इसे सर्व किया गया है। चलिए मैं करता हूँ इसे ट्राई, और आपको बताता हूँ टेस्ट में कैसा है। एक बार आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं भाई, ये देखिए। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजू भाई, हाँ जी सर, ये आयुर्वेदिक पराठा तो भाई पहली बार मैंने ज़िंदगी में खाया है, और वो भी आपके वहाँ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब एकदम। हमारी ऑडियंस को खाना हो तो कहाँ आना रहेगा? ये अपना जॉली पार्टी प्लॉट वेसु, चार रास्ता, और ये अवैध वाले के सामने ये फूड कोर्ट बना हुआ, इधर ही आना है। क्या नाम से अपना? लायो पराठा। चले गाइस, एक बार मैं आपको प्रॉपर लोकेशन दिखाता हूँ, और आना जरूर। हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए, द लाइव पराठा है, राजू भाई कह रहे हैं आना जरूर आप लोग। और ये नया वाला फूड कोर्ट है, सामने मिलेगा आपको जॉली पार्टी प्लॉट, उसी के बगल में था डीएमडी पार्टी प्लॉट,
और यहीं पर एग्जैक्ट इसी फूड कोर्ट में एकदम आखिरी में मिल जाएंगे द लाइव पराठा वाले राजू भाई। दीपक भाई, इसके साथ मैंने दो छाछ फ्री रखी है। अच्छा, इसके साथ दो छाछ फ्री है? फ्री है। क्या बात है। हाँ सर, चलिए, थैंक यू सो मच, क्योंकि हेल्दी खिलाऊंगा तो दो छाछ फ्री। जी।